यो यो हनी सिंह के साथ रैप करते नजर आ रहे बिग बी के इस सॉन्ग को ऑडियंसेस का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। बिग बी हनी सिंह के साथ काम करके काफी खुश है क्योंकि यंगर जनरेशन को यो यो के गाने काफी पसंद आते हैं। काफी दिनों से उनका नाम हम सुन रहे थे और उनका संगीत भी सुना हुआ था। इत्तेफाक की बात यह है कि जितना भी उनका संगीत है वो मेरे पोती पोते जो हैं वो मुझे बताते हैं, तो उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब इन्होंने ये बात कही यो यो सिंह वाली भूषण जी ने, तो मैंने कहा ऐसे कर लेना चाहिए। और बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना हमारी उम्र में, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर गाना था और बहुत सुंदर तरीके से इसे कंसीव किया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको कर लेते हैं। वैसे इस फिल्म का एक और गाना पार्टी तो बनती है काफी पॉपुलर हो गया है। ऐसे में बिग बी ने बताया कि वो आजकल अपने घर में सबसे यही कहते हैं कि पार्टी तो बनती है। प्रतिदिन बोलता हूँ मैं, और आजकल खास तौर से बोलता हूँ क्योंकि अब एक गाना मिल गया है मुझे, तो वो सुनता हूँ तो लगता है कि बस पार्टी बन जानी चाहिए। बिग बी इस फिल्म में भूत का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे में मीडिया को उन्होंने बताया कि रियल लाइफ में उनका किसी भूत से आमना सामना ना हुआ है और ना ही वो चाहेंगे कि ऐसा हो। अभी तक तो नहीं मिला हूं सर, अगर आप ज्यादा कोशिश करेंगे तो शायद मिल भी जाऊं, लेकिन अभी तक इत्तेफाक हुआ नहीं है मेरा, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि मेरा इत्तेफाक हो किसी भूत के साथ। वैसे बिग बी के इस रैप सॉन्ग के उनके घर में काफी चर्चे हैं। ऐसे में बिग बी ने बताया कि ये सॉन्ग अभिषेक बच्चन को कैसा लगा। Yeah, he saw the song, he heard the song when it was in a scratch form. He also heard it when it was in a full form, seen the video and he's loved it. इस फिल्म में चाइल्ड एक्टर पार्थ का रोल काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे में बिग बी ने बताया कि ये बच्चा एक्सेप्शनली टैलेंटेड है। And they're all very good and I want to say especially not because he's sitting next to me but I tell you this little fellow is an exceptional talent. Really, really proud of him. It has been such a wonderful joy to work with him. When you see the film, you will realize that, you know, most mature artists will not be able to do that in their films, or especially for somebody like him at such a young age, to be giving those expressions and to be saying those things and behaving the way he has. Even a mature artist, I never ever had to, tell him what to do. Well, Big B अपनी इस फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं और अपनी इस फिल्म के बारे में उन्होंने मीडिया को डिटेल में बताया। The first original one was about a spirit that has remained behind. उनका पितृपक्ष नहीं होता है और थोड़ा सा अन्याय हुआ है उनके परिवार के साथ, तो जब तक वो अन्याय पूरा नहीं होता, जब तक पितृपक्ष पूरा नहीं होता है, तब तक वो वापस नहीं जाता, और उसकी मुलाकात होती है एक छोटे बच्चे से, पंकू उसका नाम था, और वही एक शख्स था जो भूतनाथ को देख सकता था, और फिर उन दोनों का कैसे रिश्ता बनता है और कैसे कहानी बनती है और किस तरह से वो फिर जितना भी जो पाप था वो दूर होता है और ये चला जाता है। भूतनाथ रिटर्न्स में अब ये वहाँ पर है, वहाँ पर जहाँ वो पहले गया हुआ था, अब वो वहाँ से वापस फिर आता है नीचे, और यहाँ पर भी आने के बाद इन भाई साहब से मुलाकात होती है, और यही एक बच्चा है जो इसे देख सकता है। उसके बाद क्या होता है, 11 अप्रैल को सुबह 6 बजे से हमारे शो स्टार्ट होंगे, आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद। Well, we just hope कि बिग बी की ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद आ जाए। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai।